सभी को जोहार। अभी हम लोग जा रहे हैं पानी लाने के लिए, क्योंकि गांव में पानी का सुविधा नहीं होता है, इसलिए वजह से हम लोग पीने का पानी लेने के लिए जा रहे हैं। और आज माँ लोग भी संदेश के रूप में कुछ बनाने वाली हैं, तो वो भी हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन वो हम लोग पानी लेके आएंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि वो लोग क्या बनाने वाली हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, और अभी हम लोग को रास्ते में कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि एक जगह पे जमा हुए हैं। क्या कर रहे हैं चल के देखते हैं। देखिए ये गांव का चार्जिंग पॉइंट है, पानी टंकी, और यहाँ पे सब का मोबाइल लगा हुआ है। ऊपर प्लेट का तो लिए भी नहीं, चार्ज हो रहा है, कल से लाइट नहीं है, परसों से। अच्छा, परसों से लाइट नहीं है, तब हमेशा ऐसे ही चार्ज होता है। अरे माइक में कुछ बोलो। चार्जिंग पॉइंट, ऊपर का सोलर लाइट, वो भी कबाड़ा, वो भी कबाड़ा, लेकिन काम चलता है पूरा पूरा। जुगाड़ी इसको बोलते हैं, देसी जुगाड़ी। ये भाई बहुत खुश है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो कैसा लग रहा है चाचा? ठीक लग रहा है, अभी तो बारिश आया इसलिए ठीक लग रहा है। चलिए बढ़िया है। जैसा कि देख सकते हैं ये गांव का चापाकल है, यहीं पर से पानी भरा जाता है, सारे कोई पानी यहीं से लेते हैं। ऐसे को पीते हैं, यही गांव का यही एक तो है पानी। तो इस तरीके से घड़ा को धोया जाता है पानी भरने के पहले, ताकि उसमें जो भी कचरा है वो साफ हो जाए। और ये हम लोग का घड़ा जो है धुल चुका है। चक्राती के है, हम लोग पहुँच गए घर पानी लेके। कौन से पंच करेंगे? लच्छी कमर कमर में सर कैसा, इसमें क्या है? इसमें गुड़ पानी है, गुड़ पानी है, गुड़ पानी। अच्छा, इसमें क्या? इधर चावल का गुड़ी है। अच्छा, भुनेल वाला। इसको क्या में सानेंगे? इसमें सर गुड़ का पानी में, गुड़ का पानी में मिला के सानना है, लड्डू बनाना है। अच्छा, गरम गरम। अच्छा, ठंडा होगा तो फूट जाएगा, लड्डू करेंगे, लड्डू करेंगे। लग रहा काफी संख्या में बनेगा, इसलिए बड़ा वाला और आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, अभी और आएगा, और आएगा, फिर बनाएंगे। अच्छा, कसर बन रहा है, कसर और क्या बन रहा है, ठिकुआ बन रहा है, ये क्या बोलते हैं, साइस लड़ुआ, कसर लड़ुआ। अभी इसमें गुड़ पानी मिलाया जा रहा है, चीनी गुड़। देखिए गरम गरम डाला जाए, इसी तरह मिलाया जाता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद नहीं बनेगा। देखिए माँ लोग इतना मेहनत कर रही हैं, सुंदर रही। देखिए यहाँ पे कसर लड्डू बनके इतना सारा तैयार हो गया है।
ये बन रहा है पीठा रोटी, ठिकुआ मारने वाला, ठिकुआ मारने वाला ये गांव में बांटा जाएगा संदेश के रूप में। देखिए इतना ढेर सारा है, शादी के बाद ये हर घर में बांटा जाता है, जिनको भी नेवता दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता है, नहीं भी दिया जाता है उनको भी बांटा जाता है। देखिए गांव के लोग एक दूसरे का पूरा मदद करते हैं, कोई भी फंक्शन या त्योहार रहता है मिल के बनाते हैं। ये है पीठा रोटी, यहाँ पे पीठा रोटी बन रहा है, आप लोगों ने देखा। और अभी कुछ और भी बन रहा है जो कि अंदर बन रहा है। यहाँ देखिए खाना खा रहे हैं। और ये क्या हो रहा है? खीर बन रहा है। खीर बन रहा है, तैयारी चल रहा है। काजू को छोटा कर रहे हैं। खीर जो है गैस पे बन रहा है, हम थोड़ा लेट से पहुंचे हैं, मैं खुशबू अच्छा आ रहा है, परोसा जा रहा है। अब बनाने क्या वाले हैं? हाँ, और अभी चीनी डला रहा है। अच्छा, तो ये आटा भी बना रहे हैं ना, आटा का गुलगुला? हाँ, आटा का है। अच्छा बता दो क्वांटिटी कितना कितना लगेगा इसमें? मेरा अंदाजा लगता है इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। क्या नहीं रहना चाहिए? गांठ, गांठ, गांठ नहीं रहना चाहिए। फिर अभी इसमें और क्या क्या मिलाएंगे? सोडा, सोडा खाने वाला। हाँ। तो देखिए मटेरियल तैयार हो रहा है क्या? कैसे? फिर ये बनते हुए दिखाएंगे आप लोगों को, फिर कैसा बनता है वो भी। मम्मी गाड़ी पूछने जा रहे हैं। गाड़ी को सोडे को डाल के फिर इसको अच्छे तरीके से मिलाना है। देखिए यहाँ पे किस तरह से सभी बच्चे मिलके लकड़ी ला रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि लकड़ी ख़त्म हो गया था यहाँ पे, और अभी गुलगुला बनाया जाएगा जिसके लिए लकड़ी चाहिए। तो इस वजह से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ला रहे हैं, लकड़ी जमा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है गुलगुला, और इस वजह से ये लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए सब कितने खुश हैं क्योंकि गुलगुला आज बनने वाला है और इन लोगों को मिलने वाला है, इसलिए सब एक साथ मेहनत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तेल भी जो है गर्म हो चुका है, पूरे गुलगुला पूरे आ गए। वाह कितना सुंदर फूला फूला हुआ बन रहा है। देख सकते हैं आप लोग, बिगुला का साइज देखिए। टेस्टी गुलगुला कैसा लगा? गुलगुला मजा, बहुत मजा। बाबू अच्छा लगा। ए बाबू, अरे दो हमको भी, हमको दादू को भी दे दो, हवा से लग रहा है हमको भी।
सूरज है ना बेटा, सूरज।